हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुकृति। सो आप लोगों को वैसे पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। पता चल गया ना, है ना, है ना? पता चल गया तो हाँ, एग्जैक्टली हम वही करने वाले हैं। सो आज हम करने वाले हैं गेट रेडी विथ मी वीडियो। ओ माय गॉड, ड्रम रोल्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि मैंने पहले भी कभी भी गेट रेडी विथ मी वीडियो नहीं बनाया है, और रीज़न ये है कि कभी मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं आया, ऐसा मौका नहीं लगा, कभी ख्याल नहीं आया ऐसा। सो एग्जैक्टली तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप रूटीन शेयर करूं, जो कि मैं नॉर्मली रेगुलरली करती हूं। सो आज मैं 0 to 10 या फिर A to Z पूरा आप लोगों के सामने तैयार होने वाली हूं। सो अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, नथिंग एट ऑल। आई हैव जस्ट वॉश माई फेस और नो मॉइस्चराइजर, नथिंग एट ऑल। तो फिर मैं अभी स्टार्ट करूंगी आप लोगों के सामने ही। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्योंकि मैंने अपने फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, नथिंग एट ऑल, तो लेट्स स्टार्ट विथ मॉइस्चराइजर। सो फॉर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग निविया क्रीम, और ये हैवी मॉइस्चराइजर आप लोगों को पता होगा वैसे अगर आपने यूज़ किया है तो। बट आई यूज दिस मॉइस्चराइजर क्योंकि मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप है, तो फिर इसीलिए विंटर में ड्राई पैचेस हो जाते हैं मेकअप पे, स्किन पे, तो वो ना हो इसीलिए। तो ये रहा मेरा मॉइस्चराइजर। आई वॉज चेकिंग कि मैंने रिकॉर्ड बटन ऑन किया है कि नहीं। वैसे ये जो मॉइस्चराइजर है ये थोड़े से स्किन को डार्क दिखाता है, बस अपीयरेंस के हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे। फॉर नेक्स्ट स्टेप वी आई एम यूजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट अंडर कवर जेल प्राइमर। वैसे प्राइमर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि आई हैव पोर्स लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबल पोर्स नहीं है मेरे, तो बस थोड़ा सा टीनी अमाउंट ऑफ प्राइमर। और इसे हम लगाएंगे अपने नोज़ पे जहाँ पे भी पोर्स होते हैं, और फोरहेड थोड़ा सा। वैसे आज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ गेट रेडी विथ मी वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में कि मैं और ऐसे वीडियोज़ करूँ या ना करूँ। वैसे आई लाइक डूइंग मेकअप। वैसे हमने कभी दिखाया नहीं है, हमने पहले कभी कोई वीडियो नहीं बनाया मेकअप का, मेकअप करते हुए कभी। बट आई लव डूइंग मेकअप। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो आपको पता होगा थोड़ा बहुत। ओके, सो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं लगाने वाली हूँ एले गर्ल प्रो कंसील कंसीलर। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम लोग पहले फाउंडेशन लगाते हैं कंसीलर से पहले, बट आई प्रीफर यूजिंग कंसीलर बिफोर फाउंडेशन, बिकॉज फिर क्या होता है कि मुझे अगर जितनी ज़रूरत होगी उतना ही फाउंडेशन लगाऊंगी मैं, ताकि केकी फेस ना लगे। एंड दिस कंसीलर इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब ये लगा भी लो आप और बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपने कुछ किया हुआ, बिल्कुल भी केकी नहीं, बिल्कुल क्रीज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एंड दिस इज इन शेड नेचुरल आई गेस, या दिस इज इन शेड नेचुरल। और इसमें बहुत सारे शेड हैं, इट इज एग्जैक्ट मैच फ्रॉम माई स्किन। और ये यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा, क्यूट क्या बोलूँ मैं, वो आज ही प्रकट हुआ है। आज गेस्ट अपीयरेंस है तो फिर उसे भी थोड़ा सा कवर कर देंगे हम। नाउ आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड माय कंसीलर, स्टार्टिंग ऑफ विद आईज। ब्लेंड बेबी ब्लेंड 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 ब्लेंड। सो फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन, एंड इट इज इन शेड वार्म न्यूड इन 128 नंबर। हम इसे थोड़ा सा लेंगे, इट इज फुल कवरेज फाउंडेशन, सो मैं बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। नाउ लेट्स ब्लेंड। डोंट स्किप योर नेक। कितनी बार क्या होता है कि हम मेकअप कर लेते हैं और अगर नेक को छोड़ दिया तो फिर थोड़ा शेड अलग रहता रहता है फेस का और नेक का। लिटिल बिट ऑफ वाटर ऑन इट ताकि ब्लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाए मेरे ब्लेंडर की। आई डोंट नो वाई बट मेरी स्किन अब थोड़ी ड्राई ज़्यादा हो गई है, पहले इतनी ड्राई नहीं थी बट अब ज़्यादा हो गई है। सो बट इट इज़ नॉट टू ड्राई, इट इज नॉर्मल टू ड्राई स्किन। सो या ओके, नाउ सेट इट विथ सम लूज पाउडर। आई एम यूजिंग स्टे कोकी लूज पाउडर, नॉट टू मच। सो आवर बेस इज डन, तो अब बारी है कॉन्टोर की। सो वैसे मैं ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस लॉटी लंडन 10x ब्रोंजर। थोड़ा सा करेंगे हम कॉन्टोर, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेट्स नाउ आई एम यूजिंग ट्रांसल्यूसेंट पाउडर।
contouring my nose. So, my nose looking small or not? Okay, let's move on to eyes. I'm creating a very simple look, though nothing fancy. So first of all, I'm applying concealer on my eyes. वैसे पता है मैं पहले से ही मुझे मेकअप बहुत पसंद था. आई लाइक डूइंग मेकअप, आई लाइक बाइंग मेकअप. अभी तो एक साल से लॉकडाउन ही है, सो वी रियली डू फैंसी मेकअप्स ताकि कहीं बाहर जाना होता नहीं है मेकअप करके. एंड दैट मास्क, ओ माई गॉड, आई डोंट नो व्हाई यार, मास्क ये पता नहीं कब जाएगा. तो फिर वी विल स्टार्ट लविंग, वी विल स्टार्ट बाइंग मोर लिपस्टिक्स, ताकि अभी तो कुछ कोई देखता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, लगा के भी स्मच होता है. टू मच फ्रॉम समय, माय गॉड, कभी सोचा नहीं था ये सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी हमारी लाइफ में. एनीवेज, नाउ आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड रोज इन द एयर पैलेट, आई शैडो पैलेट. दिस इज वेरी सिंपल पैलेट एंड आई कांट ओपन इट. ओके, सो नाउ आई एम यूजिंग दिस ट्रांजिशन शेड, दिस वन एंड दिस. Sometimes I use bronzer as well for my transition shade. Okay, I'm applying it on my crease, not very much. As I told, मैं बहुत ज़्यादा कुछ fancy नहीं करने वाली हूँ, but yeah, but still. I'm using this darker shade. ये वाला shade. I'm creating a smoky eye look. I think this look is means it is very versatile. Means you can wear this look with so many outfits, with so many, from casual wearing to party wearing and so many things. So aur meri ye aaj ke outfit se match bhi karega. It is brown. Guys, please comment section mein mujhe zarur batana ki aap logo ko aur get ready with me videos dekhne hain ki nahi dekhne hain. Should I do it or not? Let's change the brush. So now I'm using this champagne gold color. कैसा लग रहा है? आई थिंक इट इज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी डिसेंट एंड नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटल. नाउ अप्लाइंग दिस डार्कर शेड, दिस सेम ब्राउन शेड. इट्स नॉट कम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं हुआ है. अभी हम लगाने वाले हैं आई लाइनर. एंड आई लाइनर इज माई फेवरेट थिंग, बिकॉज आई डोंट नो वाई बट आई लव आई लाइनर्स. और आई कैंट फाइंड आई लाइनर. और हम थोड़ा सा सिंपल सा विंग करेंगे, नॉट टू ड्रामेटिक, सिंपल सा. ओके, लेट्स सी हाउ इट गोज. हाउ विश मी लक गाइस, ये ओके. आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, बट आई नीड मिरर क्लोज टू माई आईज फॉर अप्लाइंग माई आई लाइनर. यू नो वॉट आई मीन राइट? See how much difference an eyeliner can make. जब तक ये थोड़ा सा ड्राई होता है तब तक हम लोग अपना आईब्रो कर लेते हैं. सो आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड अल्टीमेट ब्रो किट टू डू आवर आईब्रोज. वैसे मेरा आईब्रो जो है, माई आईब्रोज आर क्वाइट गुड, मतलब कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती फिलिंग की, बट फिर भी आई डू इट. ये लाइट ब्राउन शेड, आई एम यूजिंग दिस लाइट ब्राउन शेड और लेट्स फिल इट अप. It is my natural eyebrows, guys. I like it doing it. बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. अब आगे स्पूली की बारी. वैसे आईब्रो पेंसिल्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं बहुत सारे, बट आई लाइक पाउडर ओवर पेंसिल्स. एंड फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग Maybelline हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा. हमारे फेस में कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है ब्लश. तो आई एम यूजिंग दिस टेक वर्की चिकी गर्ल्स ब्लश, इज इट्स इन शेड रोज स्कारलेट 4. नॉट मच, थोड़ा सा लगाएंगे हम लोग. स्माइल अ लिटिल. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज माय फेवरेट, जो कि है हाइलाइटर. सो आई एम यूजिंग Maybelline मास्टर क्रोम हाइलाइटर बाय फेस स्टूडियो इन शेड रोज गोल्ड. Little bit on my nose. So we are done. और अब बारी है lipstick की. So for lipstick, I am using this Maybelline Creamy Mattes lipstick in shade. ये एक है rich ruby
एंड वन इज टच ऑफ स्पाइस. दिस इज न्यूड शेड एंड दिस इज रेड शेड. व्हाट शुड आई गो फॉर? कौन सा लगाए? ओके, आई विल गो विथ रेड दिस टाइम. ओ गॉड, ओ गॉड, आई लव रेड लिपस्टिक. वैसे पता है आई लव रेड लिपस्टिक एंड आई लाइक बुलेट लिपस्टिक्स ओवर लिक्विड लिपस्टिक. So yeah, we are done now. So guys, I'm ready and मेरा makeup look complete हो गया है. आप लोग मुझे comment करके जरूर बताइए कि आपको आज का ये look जो मैंने बनाया है वो कैसा लगा. And I hope कि आपको अच्छा लगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. As I can see in mirror, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस टाइप की वीडियोस और देखना चाहते हैं कि नहीं, और मेकअप रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं कि नहीं. और अगर देखने हैं तो फिर किस टाइप के लुक्स क्रिएट करूँ मैं? पार्ट या लुक, एवरीडे लुक, न्यूड लुक? और अगर ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होंगी. So I will see you next time. Till then, bye bye. Namaste.